हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15 और हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने आज दूसरा दिन है गोवा में। और अभी ब्रेकफास्ट करके फिर जाएंगे बीच साइड में, हमको कासल बनाना है। और उसके बाद यहाँ से एग्जिट करेंगे ना, यहाँ से चेकआउट करेंगे। और कहाँ जाना है? चार्ल्सटन होटल। कहाँ पे है वो? यही पास में है, बागा बीच पे एक चार्ल्सटन होटल है, वहाँ पे हम लोग चेक इन करेंगे दूसरे होटल में। और 11 बजे यहाँ से चेकआउट करेंगे। तो अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट ना खाएं, बस तुम्हारा कासल ही बनाते रहे। क्यों खा रही हो? सही है, नेचुरल है यहाँ पे सारी चीज़ें, यहाँ रिजॉर्ट सही है। बस यहाँ आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, कैब वगैरह थोड़ा सा आने में प्रॉब्लम आती है, बाकी रिजॉर्ट तो अच्छा है, पूरा नेचुरल हैबिटेट है, पेड़ पौधे, समंदर। आप लोग जाओ, मैं आ रही हूँ। यस, पैक हो रही है अपना बोले। हाँ, अरे ये लोग वहाँ समुंदर में खेल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ थोड़ा रेस्ट करेंगे, खेल खेल के थक गए पानी में, हर्षल थका देता है। यहाँ रेस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर। तो ब्रेकफास्ट कर लिया हम लोगों ने और वहाँ खेल भी लिए बीच पे हर्षल के साथ। अब हम लोग यहाँ से चेकआउट करेंगे और यहाँ से हम लोग निकलेंगे बागा बीच के लिए, वहाँ पे हमारा होटल है, वहाँ पे स्टे है। तो हम लोग यहाँ सब चेकआउट कर रहे हैं। हर्षल, कहाँ जाएगा? हाउस नहीं जा रहा है, दूसरे कासल में जा रहा है। मैं हो गया कासल। टू कासल बनाने जा रहा है। चार सीम किया है। हर्षल, बैग में ही होगा। वो लोग डर गए थे। बस हम लोग, मेरी कार आ गई और हम लोग, यहाँ का रास्ता थोड़ा सा
ख़राब है, ये रिजॉर्ट तो अच्छा है लेकिन थोड़ा सा ना रास्ता गाड़ी आने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आ जाओ स्लोली स्लोली चलो, बस आप लोग चल सकते हो तो ये वाला रिजॉर्ट बुक करना, वरना अगर छोटे छोटे बच्चे हैं ना तो ये रिजॉर्ट बुक मत करना। लेकिन अगर बीच पे इंजॉय करना है तो आप ये रिजॉर्ट बुक कर सकते हो। मिला वॉलेट कहीं और रखी, आप लोग चलो मैं इनको दे दूंगा। तो बुला रहे हैं वहाँ रेड वाले में तो तो ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं ना, हम 3 बजे निकले क्या? कितने बजे पहुंचेंगे अभी हम लोग यहाँ से? 5-10 मिनट में ठीक है, 1 बजे तक पहुंचेंगे। 3 बजे निकलेंगे तो आराम से 3 घंटे में सब कवर हो जाएगा। हाँ तो फिर आज ही कर लो, फिर कल पता नहीं कल जोर कर देंगे। ठीक है, अब तो 3 o'clock है। ठीक है चलेंगे। सबका 3 पॉइंट है ना अपना, फोटा वाड़ा, फोटा वाड़ा, सिकरिम बीच, सिकरिम बीच, ठीक है। उसमें आपको डॉल्फिन पॉइंट भी है। हाँ हाँ, डॉल्फिन पॉइंट कौन दिखाएगा? डॉल्फिन पॉइंट ये पे टिकट रहता है, ₹300 टिकट है, लेकिन अच्छा रहता है। ये हमारा होटल आ गया, चलो उतरो उतरो। इसका कैप कैप लगा लो बेटा, कैप लगा लो, ये तो कैप ले लो। क्रिसमस ट्री है, गो देयर। जिंगल बेल जिंगल बेल। यहाँ यहाँ बाहर यहाँ गार्डन है, यहाँ बच्चों के खेलने के लिए भी है। यहाँ थोड़ी शांति है, वहाँ तो थोड़ा सा नॉइज था, यहाँ बिल्कुल शांति है। तो ये है यहाँ का रूम, और यहाँ का रूम ज़्यादा स्पेसियस है, बहुत बड़ा रूम है, मतलब कि रहने के लिए काफ़ी अच्छा है। और ये हमारे रूम की बालकनी, बालकनी से ऐसा व्यू है यहाँ का, ग्रीनरी है पूरी। पूरा गार्डन है, फिर आगे इसका प्राइवेट बीच भी है। बीच है कि दरिया था? अब जाके नीचे देखना पड़ेगा, पर प्राइवेट बीच। कौन से मतलब कि क्या बीच का नाम है? बागा, बागा बीच पे, बाबा बागा बीच पे इसका प्राइवेट है। लंच करेगा पापा पापा। हाँ तो अभी नहा धो के निकले हैं लंच के लिए, चेक इन करने के बाद। उसके बाद खाना खा के हम लोग निकलेंगे बाहर कुछ घूमने के लिए, कुछ साइट विजिट करेंगे, और उसके बाद हम लोग शाम को आके यहाँ पे बीच पे इंजॉय करेंगे। इनका भी, इस होटल का भी प्राइवेट बीच है, वहाँ पे इंजॉय करेंगे। इस ये होटल का बाहर का ना एरिया बहुत ही बड़ा है, हमारा रूम वहाँ पे है और रेस्टोरेंट वहाँ पे है। तो अभी हम लोग रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, सोचा था कमरे में ही मंगा दें क्योंकि लेट हो रहा था, फिर सोचा चलो रेस्टोरेंट ही चलते हैं, बाहर आए तो एंजॉय करते हैं फिर, है ना बेटा? वो सामने दिख रहा है यहाँ का, या इनका जो बीच है प्राइवेट बीच है वो, और वहाँ पे रेस्टोरेंट, और यहाँ पे सब टेबल टेनिस वगैरह खेलने के लिए।
क्या लोगी? क्या ये चोकोमोको नया दिख रहा है, चोकोमोको ले ले। हाँ चोकोमोको ट्राई कर लो। चोकोमोको देखो, चॉकलेट आइसक्रीम, पाइनएप्पल जूस, वनीला सिरप। हाँ और आप क्या ले रहे हो? फिश? मैं देखता हूँ, फिश फिश तो सारी खा रहे हैं, बोल रहे हैं। राइस खाएगा? राइस खाएगा? और लेमन खाने में भी काट रही हो तुम? तो इनके रेस्टोरेंट से बीच का ये व्यू दिखाई देता है जो कि बहुत ही सुंदर लगता है, सामने से ज़्यादा सुंदर लगता है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में गोवा डायरी के, तब तक थैंक यू सो मच।